यस नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट जो है उसकी टाइपिंग का पैटर्न क्या है, एफिशिएंसी में क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बोर्ड पर आपको थंबनेल दिख रहा है, इसमें मैं वो सारी बातें आप लोगों से करने की कोशिश करूंगा जिनका आपको जवाब चाहिए। पहला वर्ड तो ये है कि सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग का रिजल्ट आ चुका है, मतलब आप क्वालिफाई हो चुके हैं, ये परिणाम आपके पास आ चुका है। इसके बाद आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं टाइपिंग क्या होगा, एफिशिएंसी में क्या होगा, तो उसके लिए ये वीडियो काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप टाइपिंग का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य कंप्यूटर में मैं प्रभात वालिया आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। आपको ये कह रहा हूं कि अगर निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमारे एकलव्य में आ जाइए। जो लोग यहां नहीं आ सकते उनके लिए भी हमारा एक ऑनलाइन बैच है, उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले आपको मैं टाइपिंग के बारे में जो टिप्स दे सकता हूं या जो पैटर्न का डिस्कशन कर सकता हूं वो करने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर अपन पुराने हाई कोर्ट के एग्जामों की बात करें जिनमें टाइपिंग का कैसा पैटर्न रहा है उनकी चर्चा करें, तो उसके लिए भी ये क्लास अपनी लाभदायक सिद्ध होने वाली है, ये क्लास हमारे काम की होने वाली है। एक और बात आपको समझाने और बताने की कोशिश करूं तो ऐसा कह सकता हूं, आप जिस भी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करेंगे उस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग का पैटर्न होता है, उसे भी आप जान जाएंगे। ठीक है मेरी बात। चलिए वापस अपन स्क्रीन पर चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं उन सभी बातों के बारे में जो हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। चलिए सब लोग स्क्रीन देखिए और मैं आपको पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूं, पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको यहां से पता चलेगा। देखो, मैं एक बार राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें बता देता हूं जिससे अपने को आइडिया लग जाएगा। स्टार्ट पर क्लिक कर रहा हूं। देखो, यहां से अपने को दो चीजें समझनी है। पुराना जो एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर वाला, उस एग्जाम में वर्ड हाईलाइट भी हो रहे हैं और साथ के साथ बैकस्पेस भी वन वर्ड काम कर रहा है। ठीक है मेरी बात। यानी पुराने पैटर्न के हिसाब से अगर अपन बात करें तो शब्द हाईलाइट भी होते हैं और साथ के साथ बैकस्पेस भी काम करता है, लेकिन हम क्लास में बच्चों को ना तो वर्ड हाईलाइट करके प्रैक्टिस कराते हैं और ना ही बैकस्पेस के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि सर क्या एग्जाम में बैकस्पेस अलाउ होगा, तो इस बात का जवाब है यस, आपके एग्जाम में बैकस्पेस अलाउ होगा। मैं यहां पर ये बात लिख देता हूं कि आप मुझसे जो सवाल कर रहे थे क्या हमारा बैकस्पेस अलाउ होगा क्या, तो आपको इस बात का जवाब मिल गया है कि बैकस्पेस क्या होगा, आपको अलाउ होगा, अलाउड, ओके कर दिया। क्या वर्ड हाईलाइट होगा क्या, वर्ड हाईलाइट। देखो, कुछ एग्जामों में वर्ड हाईलाइट होता है, कुछ एग्जामों में नहीं होता, तो हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि बैकस्पेस तो अलाउ होगा लेकिन हमें वर्ड हाईलाइट नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये कहते हैं पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्ड हाईलाइट भी मिलता है। ठीक है, तो बैकस्पेस अलाउ होगा, वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, ऐसा हम मान रहे हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से काम करें। अगर हम पूछें कि इसमें हमें स्पीड कितनी चाहिए, तो आपको स्पीड चाहिए क्वालिफाई करने के लिए 27 की हिंदी में और 27 की इंग्लिश में। ये आपकी क्वालिफाइंग स्पीड है जिसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आप स्पीडो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, आप सोनी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उसमें हमें यहां पर ये फीचर दिए होते हैं। आप चाहो तो वर्ड हाईलाइट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चाहो तो बैकस्पेस हटाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चाहो तो बैकस्पेस लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, एनटीए की जितनी भी एजेंसियां एग्जाम लेती है उनमें बैकस्पेस और वर्ड हाईलाइट दोनों बंद होते हैं, तो हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं लैब में, तो हाईलाइट करके भी कराते हैं, विदाउट हाईलाइट भी कराते हैं और बैकस्पेस के साथ भी कराते हैं और विदाउट बैकस्पेस भी कराते हैं। तो आप अगर घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे मुताबिक,
तो आप लोग वर्ड को हाईलाइट तो ना करें पर बैकस्पेस अलाउड कर ले, आपके एग्जाम में बैकस्पेस अलाउ रहेगा। लेकिन बैकस्पेस अलाउ करने से आपको ज्यादा बैकस्पेस की आदत पड़ जाएगी, जिससे आपकी ग्रोथ स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि अगर आप बैकस्पेस कम दबाएंगे और आपकी नेट वाली स्पीड अच्छी आएगी तो भी आपको फायदा मिलता है। तो जिनको बैकस्पेस की आदत पड़ी है वो एक बार नो बैकस्पेस करके प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम में बैकस्पेस अलाउ होगा, वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, ये मानकर आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको लगभग 65 की स्पीड हिंदी में चाहिए और 65 की स्पीड आपको किस में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। अगर आप इतनी स्पीड लेकर आते हैं तो आप टाइपिंग में 50 में से 50 नंबर लेकर आ जाओगे। दोस्तों सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग में टाइपिंग के नंबर जुड़ेंगे और सूचना सहायक की टाइपिंग में टाइपिंग के नंबर ऐड नहीं होते हैं। तो अगर अपन 20 की स्पीड भी लेकर आते हैं और 40 की स्पीड भी लेकर आते हैं, दोनों बराबर काम करती है। तो इस वाले में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, जो सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट 200 प्लस आई है वो बच्चे आईए वाले ही तो है, तो आईए में वो 200-250 सीट जो सिस्टम असिस्टेंट में बच्चे ले लेंगे उनका आईए में भी फायदा मिलेगा। ठीक है मेरी बात। तो इस प्रकार से आपको इसमें मन लगाकर मेहनत करनी है ताकि पूरे 50 में से 50 नंबर आए। सच में आप मेहनत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप टाइपिंग में से पूरे नंबर लेकर आए, तो हमने टाइपिंग का एक स्पेशल बैच भी चालू कर रखा है। 4 घंटे का वो बैच है, ₹3,000 उसकी फीस है। इस बैच को भी आप 8 से 8 के बीच में ज्वाइन कर सकते हो। सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग है, प्रॉपर तरीके से लैब में आपको गाइड किया जाएगा, हर एक बात आपको बताई जाएगी। ये हमारा टाइपिंग का बैच है, 4 घंटे का स्पेशल बैच, ₹3,000 इसकी फीस मंथली रहने वाली है। दोस्तों और थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझा दूं या बता दूं तो यहां पर सुनो। देखो पिछली बार जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था, हाईकोर्ट एलडीसी का हुआ था, उस एलडीसी में रिजल्ट के बाद मात्र आपको 24-28 दिन का समय मिला था, यानी 1 महीने से भी कम का समय मिला था। अब कुछ लोग फोन करके मुझे पूछ रहे हैं, सर इसमें समय कितना मिलेगा, आचार संहिता इलेक्शन का इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाई कोर्ट पर ज्यादातर इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मैक्स टू मैक्स आपको इसमें 60 दिन का समय मिलेगा। अधिकतम आपको इसमें कितने दिन का समय मिलेगा, 60 दिन का समय मिलेगा, इससे ज्यादा आपको समय इसमें नहीं मिलेगा। तो आज ही तैयारी में जुट जाइए, जहां भी बैठे हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आप वास्तव में अच्छे से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, निश्चित रूप से सिलेक्शन चाहते हैं, तो एकलव्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप जयपुर नहीं आ सकते तो आपको घर बैठे एक बैच मिल रहा है, जिस बैच का नाम है संघर्ष बैच आपको विद बुक के साथ मिलेगा। लाइव फ्रॉम स्टूडियो की साथ साथ आप क्लासरूम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यही मेरा क्लासरूम है और यही मेरा स्टूडियो है। ये बैच हमारा स्टार्ट होगा, देखो अभी एक्सेल स्टार्ट करेंगे पहले इस वाले बैच में, एफिशिएंसी क्या होती है उस वाले केस में, बाकी वर्ड की क्लास भी चालू होगी। ये बैच हमारा आज तारीख मेरे पास है 21 से स्टार्ट हो जाएगा, 21-24 से स्टार्ट होगा। ये आपका लाइव बैच रहने वाला है, ठीक है मेरी बात। लाइव बैच के बाद वो क्लासें आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, जो मैं क्लास में लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगी। पुराना बैच जो हाईकोर्ट एलडीसी में पूरा हुआ है, पुराना सिस्टम असिस्टेंट का बैच जो पूरा हुआ है, उसका भी आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है मेरी बात। तो अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, फीस ज्यादा लग रही है, तो आप संघर्ष बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें टाइपिंग की टिप्स प्लस एफिशिएंसी दोनों बातों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और 2 किताबें आपको घर हमारी तरफ से नोट्स के रूप में कोरियर लगाई जाएगी। टाइपिंग से संबंधित कोई प्रश्न मुझे लगता नहीं है आपके दिमाग में अब रहा होगा। चलिए मैं वापस बताता हूं, बोलो क्या बैक स्पेस अलाउ है क्या? तो आप कहेंगे सर अलाउड। क्या वर्ड्स हाईलाइट होंगे क्या? हाईलाइट। तो आप कहना सर नो।
एक देखो, मैंने नाम लिखा है प्रभात, क्या लिखा है प्रभात, और प्रभात की जगह मैंने लिख दिया पी आर ए बी एच ए टी और एक कोमा लगा दिया, स्पेस देने से पहले कोमा लगा दिया, क्या इसके नंबर मिलेंगे क्या? नहीं, इसमें सारी की सारी फुल मिस्टेक ही होती है, ठीक है मेरी बात, हाफ मिस्टेक नहीं होगी। फुल मिस्टेक का मतलब है आपने कोई भी शब्द का कैरेक्टर गलत लिख दिया तो उस पूरे के पूरे शब्द के नंबर कट जाएंगे। अभी फिलहाल हम इसके बारे में इतना डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी आए। लगभग आपको अगर मैं बात करूं 5 मिनट का टेस्ट होगा आपका, और 5 मिनट के टेस्ट में आपको खूब सारी मेहनत करके 64 की स्पीड या 65 की स्पीड लेकर आनी है। अगर क्वालिफाई होना चाहते हैं तो 27 की स्पीड लेकर आनी है। ये सिस्टम असिस्टेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मेरे अंदाजे से ऐसा काम होगा। बाकी और नोटिफिकेशन आएगा टाइपिंग का, मॉक टेस्ट आएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। हम लैब के अंदर आपको बैकस्पेस बंद करके विदाउट हाईलाइट प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपको आगे फ्यूचर में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों अब आप सभी लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर सिस्टम असिस्टेंट के अंदर जो एफिशिएंसी है या दक्षता है वो क्या होता है? सिस्टम असिस्टेंट में एफिशिएंसी या दक्षता क्या होता है उसके बारे में आप बार बार एक सवाल पूछते हैं, तो मैं उन्हीं सवालों का जवाब आपको देने या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दक्षता क्या होता है। तो सुनो, 50 नंबर की टाइपिंग है और 50 नंबर का ही आपका एफिशिएंसी या दक्षता होगा। दक्षता या एफिशिएंसी में आप 50 में 50 नंबर ला सकते हैं। कैसे? इसमें वर्ड आएगा और इसके अंदर क्या आएगा? एक्सेल आएगा। कैसे प्रश्न आएंगे मैं अभी आपको करवा रहा हूं। एक बार जो भी मेरी क्लास को देख रहा है मुझे बताना ऐसे कितने लोग हैं जो पक्का नौकरी लगना चाहते हैं कि सर हमें नौकरी लगना है, एक बार कमेंट करके बताओ। कितने ऐसे लोग हैं जो पक्का ही नौकरी लगना चाहते हैं, सर मुझे सर मुझे सर मुझे, जो पक्का नौकरी लगना चाहते हैं। मैं उन दोस्तों से बोल रहा हूं कि उनको समस्या आएगी। कोई कहता है सर कोशिश करेंगे, अगर सफल होंगे तो लग जाएंगे। पक्का नौकरी लगना है तो भाई जगदीश विष्णु ये अब चला गया नहीं है, ठीक है भाई जनरल भाषा में बात कर रहा हूं आपसे, तो पक्का नौकरी वाला नहीं, मेहनत करने के बाद नौकरी लगेंगे। पक्का नौकरी लगना है उनके दिमाग में एक नई टेंशन आ जाती है। कैसे? सुनो मैं बता रहा हूं और आपको साथ में समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे? देखो एक बार एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, ऐसे एक पेपर मिलेगा प्रिंटेड आपको, और प्रिंटेड पेपर पर क्वेश्चन लिखे होंगे। मैं पहले एक्सेल बता रहा हूं फिर वर्ड के बारे में बात करूंगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है। अगर अपन ये बात करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि एफिशिएंसी टेस्ट जो हमारा होने वाला है उसमें वर्ड एक्सेल आएगा, और वर्ड एक्सेल के प्रश्न कैसे आएंगे ये हम जानने की कोशिश करें तो यहां से जान सकते। देखिए ये मेरा स्क्रीन है, चलिए एक सैंपल पेपर मैंने बना रखा है। सर एफिशिएंसी में हमें टाइपिंग करना होगा क्या? नहीं, एफिशिएंसी में एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर आएगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता है, उसके जैसा सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेल नहीं आता है, एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें ऐसे आपको पैराग्राफ टाइप किए हुए मिलेंगे, ठीक है। और पैराग्राफ टाइप करने के बाद पैराग्राफ 1 2 3 4 पैराग्राफ दे रखे हैं, उसके बाद आपको ऐसे प्रश्न उस पैराग्राफ से संबंधित दिए हुए रहेंगे, ठीक है मेरी बात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये प्रश्न आपको यहां पर अंदर दिखाई नहीं देंगे, इन प्रश्नों का आपको क्या मिलेगा? प्रिंट आउट मिलेगा। क्या मिलेगा? ये प्रश्न आपको प्रिंट आउट मिलेंगे, और जो पैराग्राफ आपको ऊपर दिख रहा है वो इधर दिखाई देगा। मैं आपको एक प्रश्न बोलकर बता रहा हूं, एक प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको बोलकर बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे उस प्रश्न का जवाब देना फिर हम डिस्कशन कर पाएंगे। मेरा एफिशिएंसी का पेपर है पहला, और इस पहले पेपर में एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रथम पैराग्राफ के दूसरे शब्द को बोल्ड कीजिए। ऐसे मैं आपको एफिशिएंसी के पेपर दूंगा जिस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या लिखा हुआ है?
प्रथम पैराग्राफ के दूसरे शब्द को बोल्ड कीजिए। चलिए भैया, हमारे पास ये मैटर टाइप किया हुआ है और मुझे प्रथम पैराग्राफ के दूसरे शब्द को बोल्ड करना है, तो सबसे पहले मुझे इस प्रथम पैराग्राफ के दूसरे शब्द को क्या करना पड़ेगा भाई, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे दूसरा शब्द क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कर लिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? हाँ सर। इसके बाद मुझे कहां पर क्लिक करना है, बी पर। सर क्या ओल्ट कीज काम करेगी क्या, ये प्रश्न भी होगा आपका, क्या सर टाइपिंग के साथ ओल्ट कीज काम करेगी क्या, ये प्रश्न भी हो सकता है। अगर हम बात करें क्या टाइपिंग के साथ ओल्ट कीज काम करेगी क्या, ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। तो आपको बता दूं, ओल्ट कीज आपकी काम नहीं करती है, ओल्ट कीज आपकी काम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत मॉडरेट ओल्ड कीज आपको यूज करनी होती है, ठीक है। चलिए अब मैंने इसे सेलेक्ट किया, करना क्या था, बोल्ड। क्या मैं कंट्रोल बी दबाकर बोल्ड कर सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं तो बहुत पहले से एसएससी की तैयारी कर रहा था, बैंक में काम कर रहा था, आईटी ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे तो कंट्रोल बी की आदत है। क्या मैं राइट क्लिक करके भी काम कर सकता हूं क्या? नहीं। क्या मैं कंट्रोल बी दबाकर भी काम कर सकता हूं कि नहीं? आपको इस प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप करना होगा, जिस स्टेप से आप प्रश्न को करते हो वो स्टेप प्रॉपर तरीके से काउंट होती है, उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। कंट्रोल प्लस बी काम नहीं करेगा, आप सीधा फॉन्ट पर जाकर बी पर क्लिक करेंगे तब जाकर वो बोल्ड होगा। कुछ लोग पक्का नौकरी लगना चाहते हैं, वो एक बार की बजाय कितनी बार क्लिक कर देते हैं, दो बार। बताओ दो बार क्लिक करने पर नंबर मिलेंगे या कटेंगे, बोलकर बताओ, मिलेंगे या कटेंगे? तो सर कटेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने दो बार क्लिक कर दिया। चलो अब वापस बोल्ड करना है तो कितनी बार क्लिक कर दो, एक बार और कर दो, बोल्ड हो गया। देखो ये स्थित शब्द जो था उसे मैंने क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। मेरा ये शब्द सेलेक्ट है, अगर सेलेक्ट करते समय कीबोर्ड का कोई बटन दब गया तो वो शब्द ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है और सावधानियां भी बरतनी है। मैं डेली क्लास में एक बात बोलता हूं दोस्तों, पिछले 13-14 साल से मैं एफिशिएंसी और स्किल टेस्ट पढ़ाने का काम कर रहा हूं। कोई नया व्यक्ति आप पर प्रयोग ना करे क्योंकि बार बार आपको ये सीखने को नहीं मिलेगा। अपने कोचिंग में जहां से आपने सिस्टम असिस्टेंट की तैयारी की, हमारे पाठशाला में संजय सर, विपिन सर, या सुनील सर, या मोगा सर, या फ्लिकी मेटिकम सर, या कोई भी टीचर जिससे आपने पढ़ाई की है, वो आपको ये स्किल टेस्ट नहीं करवा सकते क्योंकि वहां पर हमेशा वो थ्योरी पर काम कर रहे हैं। प्रोग्रामर की क्लास में प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं, लेकिन एमएस ऑफिस में वो टीचर ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है जो इसका प्रैक्टिकल कर रहा है और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल कर रहा है। सर मैं तो आरएसएटी का सेंटर चलाता हूं, मैं कर सकता हूं क्या? नहीं। सर मेरा भाई बीटेक करा हुआ है, मैंने बीटेक किया, क्या मैं घर बैठ के कर सकता हूं कि नहीं? आप घर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन जो ये गलती हुई है, क्या कंट्रोल जेड इसमें काम करेगा क्या? नहीं। एफिशिएंसी में कंट्रोल जेड भी काम नहीं करेगा। अभी वर्ड की एफिशिएंसी करवाइए, कुछ एक्सेल की एफिशिएंसी भी आपको कराऊंगा, सेशन ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। अभी मैंने इसे बोल्ड कर दिया, चलो ठीक है इसे रोक देते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है वो भी देख लो। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन करो। प्रश्न को पढ़ लेना भैया, बड़ा कर देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। दूसरे पैराग्राफ के शब्दों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। प्रश्न को पढ़ लो, दूसरे पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन करना है। कल परसों मुझे एक जना बोला कि सर मेरे जूतों से आपके जूतों से मेरे जूते अच्छे हैं। ये बात तो बड़ी जायज थी, कहा कि सर आपसे मेरे जूते अच्छे हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि कंपेयर उसने मेरे से उन जूतों का कर दिया। बोल क्या रहा हूं सुनना, कि प्रश्न को पढ़ोगे तो बात समझ आएगी, जिनको दूसरा प्रश्न पढ़ना है वो तीसरा भी साथ की साथ पढ़ ले, फिर हम बात करेंगे। सर क्या प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप करना भी कंपलसरी है क्या? यस, प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप भी करना कंपलसरी है क्योंकि कई बार एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आपसे जुड़ जाता है,
पैराग्राफ टाइप किया हुआ मिलेगा, प्रश्न का प्रिंट आउट मिलेगा, आपको एग्जाम में अप्लाई करना होगा। दूसरे पैराग्राफ के शब्दों को अंडरलाइन कीजिए। इसी बात पर मैं क्या करूं, सबसे पहले इस दूसरे पैराग्राफ को मुझे सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कर दिया भाई मैंने। फिर मैं कहां पर गया, यू पर अंडरलाइन कर दिया। क्या सही किया है क्या मैंने, क्या कंट्रोल प्लस यू दबा के अंडरलाइन कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। क्या मैं सेलेक्ट करने के बाद इस यू पे क्लिक कर दिया, क्या शब्द अंडरलाइन हो गए क्या, नहीं हुए। शब्द अगर अंडरलाइन करने हैं तो ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। एक बार इसे हटाओ और जाकर वापस से क्या करो, इस फॉन्ट वाले बॉक्स को खोलो और फॉन्ट वाले बॉक्स में आपको अंडरलाइन स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको वर्ड्स ओनली लेना है और क्या करना है, ओके करना है। देखो ये कहा है कि केवल शब्दों को अंडरलाइन करो, मतलब स्पेस अंडरलाइन नहीं होने चाहिए, ये था प्रश्न में। दूसरा पॉइंट सुनो दोस्तों, आप एफिशिएंसी का पेपर देने जा रहे हो, आपको कंट्रोल बी नहीं दबाना, राइट क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना मान लेता हूं मैं, लेकिन आप फिर भी स्टेप बाय स्टेप भी कर देंगे, लेकिन आपको करने में समय लगेगा, ऑप्शन को ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए हमें इस क्लास को प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा। दोस्तों इसका लाइव बैच 21 तारीख से भी स्टार्ट हो रहा है, इसका लाइव बैच 6 मार्च को भी स्टार्ट हुआ था, इसका आगे भी स्टार्ट होगा। जो बैच में पीछे निकल जाएगा वो लाइव में रिपीट हो जाएगा, आप लाइव क्लास को रिकॉर्डेड क्लास में भी देख पाओगे। चलिए अगर मुझे दूसरा प्रश्न देखना हो, जो मुझे बताया था, क्या था प्रश्न में, कि प्रथम पैराग्राफ को अंडरलाइन कीजिए। जब प्रथम पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है तो आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को क्या कर लो भैया, सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ एरो की से पैराग्राफ क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। हो गया यहां तक। सेलेक्ट करने के बाद कोई बटन दब गया तो पूरा मामला गायब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब इसे अंडरलाइन करना है तो किस पे क्लिक कर दो, यू पर। बताओ एक बार करूं कि दो बार, कमेंट कर देना क्लास देखते समय, एक बार करूं कि दो बार, दो बार, दो बार करने से क्या होगा, हट जाएगा। तो ये भी बात याद रखना, कभी अंडरलाइन हटाने का प्रश्न आ जाए तो बता देना एक बार क्लिक करने से अंडरलाइन लागू होता है और दूसरी बार क्लिक करने से क्या होता है, हट जाता है। और अगर अपने सेलेक्ट करने के बाद कोई बटन दबा दिया तो पैराग्राफ भी गायब हो जाता है। इन सारी चीजों से कैसे बचेंगे, ये सब जानने के लिए आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स लेना ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब और थोड़ी सी सेशन के बारे में जो हम अभी बना रहे हैं। दोस्तों अगर आप टाइपिंग के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और कोई भी सवाल आपके मन में है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको ये संघर्ष बैच जो मैं बता रहा था ये मिल जाएगा, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 21 तारीख से 5 बजे इसमें लाइव क्लास आना शुरू हो जाएगी। प्लस दोस्तों एक और बात बताऊं, आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारी बुक मंगवा सकते हैं, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा श्योर सिलेक्शन हो, तो मैंने कल बताया था हमने एक बूस्टर बैच स्टार्ट किया है, बूस्टर बैच स्टार्ट किया है। बूस्टर बैच का टाइमिंग रहेगा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये दो हमारे बूस्टर बैच है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें 50 प्लस की स्पीड आपको बचे हुए दिन में गारंटी के साथ करवा के दूंगा, आपके ऊपर जूते लेकर मैं खड़ा रहूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, डराऊंगा, धमकाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, कोशिश करूंगा आपके साथ मिलकर टाइपिंग में आपको क्वालिफाई करने की। अगर आप चाहते हैं सिस्टम असिस्टेंट में सिलेक्शन लेना, आप चाहते हैं सरकारी नौकरी, आप चाहते हैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना, तो इंतजार किस बात का, वीडियो देखते ही एकलव्य आ जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारा बूस्टर बैच। और दोस्तों ये स्लोगन कल भी मैंने बोलकर बताया था, आज फिर बोलकर बता रहा हूं, समय और समझ दोनों एक साथ समझदार व्यक्ति को आती है, समय और समझ
एक साथ आ जाती तो किस्मत पलट जाती है दोस्तों। दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। तो दोस्तों समय मत निकालिए, अपने आप पर प्रयोग मत होने दीजिए। एकलव्य में पिछले 13-14 साल से जो काम हो रहा है उस काम को समझिए और नौकरी लगने के लिए, निश्चित सफलता के लिए आप एकलव्य में आ जाइए। चलिए, टाइपिंग का पैटर्न कैसा है, एफिशिएंसी में क्या होगा, मैंने इस सेशन में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप मुझे लिख दीजिएगा कमेंट वाले बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। कोई भी समस्या है तो जो 8955189552 वाले नंबर है इस पर आप बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी चैट का ऑप्शन आता है, वहां भी आप चैट कर सकते हैं। इस सेशन में इतनी ही जानकारी है, मिलते हैं अगले किसी सेशन में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।